बड़वानी नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गुजरात की राजनीति के तहत हमें पीसा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मुंबई में और भूपेंद्र पटेल द्वारा गुजरात की कच्छ में जाकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में भ्रम फैलाए जाने का आरोप लगाया है। गुजरात की राजनीति में हमें पीसा जा रहा है और मुझे अर्बन नक्सलवादी कहा जा रहा है। हम शहर छोड़कर गांवों में गए हैं, नक्सलवादी शस्त्र उठाते हैं, हमने कभी पत्थर नहीं उठाए, इस तरह हम पर झूठे आरोप लगाते हैं। मेधा पाटकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रभाव से गुजरात में भाजपा बौखला गई है। भाजपा कैसे कह सकती है कि मुझे आम आदमी पार्टी पीछे के रास्ते से लाकर गुजरात का सीएम बनाएगी। आम आदमी पार्टी तो कह नहीं रही कि मैं आम आदमी पार्टी की सदस्य भी नहीं हूँ। यह पुरानी फिल्में निकाल रहे हैं। मैं सिर्फ चार महापार्टी में थी जो मुझे भूल लगी, हम जन आंदोलन ही करते हैं। यह भाजपा झूठा आरोप लगाकर अपनी वोट बैंक बड़ी करने में लगी है। गुजरात में जनता इनकी यह चालाकी समझ जाएगी, उल्टे दिशा में प्रभावित करेगी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। आज एक भ्रम फैलाया जा रहा है नर्मदा घाटी के 37 साल जिसके पूरे हुए ऐसे संघर्ष के और निर्माण के कार्य के बारे में, और ये गुजरात की राजनीति के तहत हमें पीसा जा रहा है। उस पर हम लोग साफ कहना चाहते हैं कि जो दावे इन्होंने किए हैं, हमारे आंदोलन ने कच्छ का पानी 5 साल तक रोका, हमने सरदार सरोवर में अड़ंगा डाला, हमने विश्व बैंक को हटाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मंचों पर हमने जीत ले ली और इनकी बदनामी की, गुजरात का विरोध किया और राष्ट्र विरोध में हम लोग लड़े, ये इनके दावे झूठे हैं। लेकिन अभी एक राजनीतिक माहौल बन गया है गुजरात के चुनाव को लेकर, और क्योंकि शायद चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रभाव गुजरात में बढ़ गया है और उसका एक कारण नर्मदा में गुजरात की जनता को फंसाया गया है, ये भी है। और इसीलिए आज अमित शाह मुंबई में जाकर बोलते हैं, भूपेंद्र पटेल कच्छ में जाकर बोलते हैं, उनके बीजेपी गुजरात वाले ट्रोल करते हैं हमको और क्या कहते हैं कि मैं एक अर्बन नक्सल हूँ। नक्सलवादी कभी अर्बन यानी शहरी रहे ही नहीं, तो ये संकल्पना झूठी है। और हम लोग शहर छोड़कर गाँव के साथ हुए कार्यकर्ता हैं, शहर में गरीबों के साथ ही हम काम करते हैं। नक्सलवादी शस्त्र उठाने वाले होते रहे, हम लोगों ने आज तक कभी पत्थर नहीं उठाया है। तो इस प्रकार के झूठे आरोप सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डालने के लिए करने वाले खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये भी बातें आज उठ रही हैं। हम पर हमला करने वाले साबरमती के आश्रम के अंदर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर बने होंगे, लेकिन उनके बारे में भ्रष्टाचार की खबरें हम भी सुन रहे हैं। आज ये भी है कि बैकडोर से पीछे के दरवाजे से गुजरात के राजनीति में मैं प्रवेश करके आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री बनने वाली हूँ, ये भाजपा कैसे कह सकती है? आम आदमी पार्टी कहती है क्या? मैं उनकी सदस्य भी नहीं हूँ तो मुख्यमंत्री बनने का सवाल ही नहीं आता है। ये पुरानी पुरानी फिल्में निकाल रहे हैं। जब कुछ 4 महीने तक मैं उनकी पार्टी में थी, वो एक हमको भूल ही लगी, क्योंकि हम दलीय राजनीति को नहीं मानते हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में मैं नहीं कह रही हूँ, पर दलीय राजनीति छोड़कर हम लोग निर्दलीय जन आंदोलनों की राजनीति में ही रहना पसंद करते आए और आज भी वही कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार का झूठा आरोप लगाकर अपनी वोट बैंक बड़ी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी वोट बैंक इस झूठ को समझने वाली गुजरात की जनता उल्टी दिशा में प्रभावित करेगी, ये भी हमारा